नेक्स्ट अपन चलते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, आयनिक सॉलिड जो होते हैं बेसिकली वो कैसे बनते हैं, तो आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, आयन्स का यूज़ होता है। यानी जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। किसके, आयनिक सॉलिड के। तो आयन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर आपके आयनिक सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तब तो बेटा ये क्या होंगे, इंसुलेटर। यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर इनका क्या बना दिया जाए, यानी इनको अगर अपन सोल्यूबल स्टेट में या इसे अपन मोल्टन स्टेट में लेके आ जाए, किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, तब क्या होगा, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, अब सोलिड नमक है, तो नमक के जब आप लोग क्रिस्टल यूज़ करते हो तो क्या उनमें से लाइट पास हो सकती है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, इस NaCl को आप वाटर के अंदर मिक्स करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो, उसके बाद अगर इनमें क्या करोगे आप, लाइट या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी अगर इनमें पास करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली इनमें क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इंसुलेटर किस में होंगे, आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर इनको मोल्टन स्टेट में लिया लेके आ जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि NaCl का है 700 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसके साथ इनके अंदर कौन सा फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोग अपनी जो फिजिक्स है उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें इनके, तो NaCl, ZnS और आपका CaF2, ये इसके क्या हैं, आपके एग्जांपल आयनिक सॉलिड के। तो ये आपका आयनिक सॉलिड कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।